नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सरकारी योजनाओं को लेकर जनता को जागरूक करने के नाम पर ग्राम प्रधानों से वसूली करने वाले जालसाजों का पर्दाफाश हो गया। एनजीओ के नाम पर फर्जी तरीके से आवास और शौचालय का कर रहे थे निरीक्षण। जिलाधिकारी के सामने आने पर खुली जालसाजों की पोल। आपको बता दें कि देश में नटवर लालों की कमी नहीं है, जो पैसा कमाने के लिए जालसाजी की ऐसे बिसात बिछाते हैं कि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। बलिया जनपद में भी नटवर लालों की एक ऐसे जालसाजी का पर्दाफाश हुआ है, जो लगातार ग्राम प्रधानों का अपना शिकार बना रहे थे। जी हां, जागरूक भारत नाम के एनजीओ को चलाने वाले कुछ लोग सागरपाली गांव का निरीक्षण करने पहुंचे। एनजीओ के सदस्यों ने विकास कार्यों को लेकर ग्राम प्रधान से जब बात की तो उन्हें शक हुआ। ऐसे में जब ग्राम प्रधान ने निरीक्षण के लिए अनुमति पत्र मांगा तो जालसाज आनाकानी करने लगे। जिला पंचायत अधिकारी को जब इन जालसाजों की सूचना मिली तो जिला अधिकारी के सामने एनजीओ के सदस्यों को पेश किया गया, जहां जालसाजों की पोल खुल गई। जालसाजों की टीम गांव के निरीक्षण के लिए बाकायदा महंगी गाड़ी का इस्तेमाल करती ताकि कोई उन्हें शक की निगाहों से ना देख सके। सागरपाली गांव में भी जब निरीक्षण के लिए फर्जी एनजीओ की टीम पहुंची तो गांव में बने आवास और शौचालयों का निरीक्षण किया। जनता उनकी बातों में उलझी रहे, इसके लिए जालसाज लाभार्थियों को गलत जानकारी देते हुए बताते थे कि शौचालय के लिए सरकार 12,000 की जगह 18,000 दे रही है, ताकि लोग गांव के प्रधान से नाराज हों और ग्राम प्रधान से जालसाज अवैध वसूली कर सकें। जागरूक भारत नई दिल्ली के नाम से जागरूकता फैलाने वाले जालसाजों ने बाकायदा बलिया शहर में एक ऑफिस भी बना रखा है, जहां कुछ युवाओं को कर्मचारी के तौर पर रखा भी गया है। खास बात यह है कि एनजीओ के एमडी की तरफ से इन लोगों को मीडिया के लिए लिखा गया आई कार्ड भी दिया गया है। हालांकि इस मामले में ग्राम प्रधानों की तरफ से बलिया कोतवाली में तहरीर दे दी गई है। जिला पंचायत अधिकारी अभय कुमार यादव, बलिया। ये जो है सुबह प्रकरण ये समझ में आया कि जागरूक भारत कोई एनजीओ है, उसके तहत ये 3 से 4 सदस्य जो है गांव में जा रहे थे और ये वहाँ पे जो है मतलब गांव के जो कार्य हुए हैं, चाहे शौचालय निर्माण हो, नाले निर्माण हो या सीसी रोड हो, इन सब की जांच करके ये मानकों को परख रहे थे। लेकिन इनके पास कोई अथराइजेशन नहीं था कि मतलब ये उसको जांच करेंगे या नहीं करेंगे, इनके पास कोई लेटर नहीं था। कई प्रधानों की हमारे पास शिकायत आई, जिसके तहत ये पता चला कि नहीं, ये जो है वसूली का प्रकरण समझ में आ रहा है और सर जी ये वसूली कर रहे हैं। इस मामले को मैंने संज्ञान करते हुए इनको प्रधान जी और इन लोगों को अपने कार्यालय में बुलाया और जब ये मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि मतलब जो है ये गांव में जाके इस तरह से मानक चेक करेंगे। केवल जो है इस एनजीओ का प्रकार ये था कि जागरूकता फैलाने का। हनुमानगंज ब्लॉक है, उसमें सागर पाली गांव के प्रधान जी ने हमें सूचित किया कि सर ऐसे से कोई लोग भेजा गया, आपको संज्ञानित है। हमने कहा नहीं, ऐसा कोई प्रकरण नहीं, इनको आप कार्यालय में लेके आइए और जो है इन पे अगर ये अगर कोई तथ्य नहीं दे पाते तो इन पे कार्रवाई कराई जाएगी। और ऐसा ये प्रकरण समझते ही मैंने जो है तुरंत डीएम साहब को सूचित किया, प्रस्तुत किया, जिसके तहत निर्णय लिया गया कि इन पे FIR करा दिया जाए और FIR की कार्रवाई की जा रही है। स्टेशन के संदर्भ में तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जागरूक भारत करके एक एनजीओ है और इन्होंने ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया है। यहाँ तक कि ये बोले कि नहीं, एडीओ लोगों को भी बोला गया है, लेकिन एडीओ लोगों को आदेश हमारी तरफ से जाता है, हमारे पास ऐसा कोई इनके पास इनका पत्र नहीं है जिससे हम उनको आदेशित कर सकें कि इनको क्या काम करना है। ये केवल केवल जो प्रथम दृष्टि या प्रकरण समझ में आया कि केवल और केवल एनजीओ है जो केवल जागरूकता फैलाने के गाँव में काम करता है, ना कि उनके क्या निर्माण हुआ उसके मानक। मैं अरविंद पांडे, ग्राम प्रधान राजी माफी सागरपाली। जब हम लोग बलिया आ रहे थे, हम और सागरपाली के प्रधान बंसीधर सिंह दाऊ जी, तब पता चला गांव के लाभार्थी द्वारा बताया गया कि यहां पे कुछ लोग आए हैं, वो जांच कर रहे हैं। जब हम लोग ने ये सुना कि जांच कर रहे हैं, तब मैं और सागरपाली के प्रधान दोनों लोग गए और उन लोगों से पूछे कि आप लोग कहाँ से आए हैं, तो ये लोग बताए कि हम लोग भारत जागरूक अभियान के तहत आए हैं। हम पूछे कि अथॉरिटी लेटर है क्या, जिला अधिकारी या पंचायत राज्य अधिकारी या खंड विकास अधिकारी, किसी का परमिशन है आपको गांव में आने के लिए, तो ये लोग बोले कि हाँ परमिशन है। जब हम लोग परमिशन देखना चाहें तो ये लोग कहे कि ऐसी बात है कि पहले का परमिशन है और वो वापिस पे रखा गया है और कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसमें कोई परमिशन की बात नहीं कही गई। तब हम लोग ने राज पंचायत अधिकारी से
इस बात को जानकारी दी। राज्य पंचायत अधिकारी महोदय ने कहा कि हमारे यहाँ से कोई ऐसा परमिशन नहीं दिया गया है। तब तक हम लोग अपने सचिव को फोन किए, रवि भूषण सिंह बताए कि करनाई, और वहाँ पे भी ये लोग जाकर और विकट रूप भयावह स्थिति पैदा की है और वसूली की रही है। जब लोग हम मना किए कि यहाँ से आप लोग चले जाइए, हम लोग कोई वसूली और कोई जांच नहीं, तो ये लोग कहे कि ऐसी बात है कि हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग जांच करेंगे। तब राज पंचायत अधिकारी से कहा गया और राज पंचायत अधिकारी ने इन लोगों को और प्रधान संघ को बुलाया अपने ऑफिस में, और उसके बाद जिला अधिकारी के यहाँ आए तो पता चला कि यह सब फर्जी है। मैंने इन लोगों से पूछा कि आप लाभार्थियों को क्या बता रहे हैं, क्या जागरूक कर रहे हैं, तो लाभार्थी द्वारा बताया गया कि बताइए प्रधान जी, भैया बता रहे हैं कि 18,000 रुपया अब आ रहा है, ये लोग बताए थे कि रिवाइज हो गया है, जो शौचालय का पैसा 12,000 आता था 15 दिन पहले रिवाइज करके उसको 18,000 कर दिया गया है। सर ये ट्रस्ट है, जागरूक भारत पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो पूरे ऑल इंडिया सेंट्रल पूरा ऑल इंडिया के लिए है, जिसमें हम जनता को स्वच्छता के लिए जागरूक करना और भी जितने हमारे डीड में हमारे जो संस्था के कार्यरत में कार्य हैं, जो कि जैसे कि ग्राम पंचायत हुआ, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल्स हुए हैं, जैसे कि जहाँ जहाँ जनता की समस्याओं को देखने के लिए जानने के लिए हम उनको जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं। बलिया में आप कब से काम कर रहे हैं? बलिया में हम सर, हम 1 महीने से सर बलिया में वर्क कर रहे हैं और हमारा ये बेदुआ में ही ऑफिस है, यहाँ कार्यालय है। तो क्या जागरूकता फैला रहे थे? जागरूकता सर हमारे की जो भी आप लोग के लिए कार्य योजना, आप जनता के लिए जितने भी कार्य आए हैं, जितने भी स्वच्छता के लिए आ रहे हैं, आप लोग सही तरह से उसको यूटिलाइज करिए, सही तरह से यूज करिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये प्रधानों ने आपको जागरूक भारत संस्था में मैं काम करता हूँ। ये संस्था वही चल रहा है? ये सर मैं मुझे पता नहीं, मैं 1-1.5 महीने पहले मैं भोला राय के बिल्डिंग में जो बेदुआ मोहल्ले में 9 वार्ड नंबर 9 में जिसका ऑफिस है वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, मेरी सिलेक्शन हुई थी, ठीक है। और मैं 7,000 रुपये सैलरी मेरी है। अच्छा हाँ, तो क्या काम करना था आपको? सर मुझे बोला गया था कि आप लोगों को निरीक्षण करना है, जो सरकार से फंडिंग आती है उसका आप लोगों को निरीक्षण करना है। हमारे ऑफिस के MD साहब हम कैमरा लेके जाते थे, जिसका आवास आया उससे पूछते थे कि आपका आवास आया है, आपको कितना पैसा आया हुआ है, आपको आपने किसी को घूस दिया है या नहीं दिया है, ये हम वीडियो क्लिप बनाते थे और ले आके हम ऑफिस पे दे देते हैं, ऑफिस पे ले जाके दे देते हैं कि आप वीडियो वो करेंगे, वीडियो बनाएंगे उसका। अच्छा काम कहाँ की? मतलब जो 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 हाँ जो जो काम का हमें लिस्ट मिलता था उसका हम वीडियो बनाते थे उसका। नहीं अभी शौचालय का हम नहीं कर रहे थे।